फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन जानने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज नाउन। नाउन मींस एनी नेमिंग वर्ड। और अगर आपको और डिटेल में जानना है कि व्हाट इज नाउन, तो आप मेरा वीडियो ग्रामर नाउन इन 3 मिनट रेफर कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ, नाउन दैट कैन बी काउंटेड दैट इज काउंटेबल नाउन। जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं वो होगा काउंटेबल नाउन। जिस चीज को या नेमिंग वर्ड को हम काउंट नहीं कर सकते उसे हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन के पहले हम ए एन एंड नंबर्स यूज कर सकते हैं, बट वेयर टू यूज ए, वेयर टू यूज एन एंड वेयर टू यूज नंबर, वो मैं आपको बताऊंगी। एंड अनकाउंटेबल नाउन में हम ए एन एंड नंबर्स नहीं यूज कर सकते, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्यों। अब अगर कोई सिंगल चीज है तो मैं ए उसके आगे लगा सकती हूँ, दैट इज अ बुक, अ पर्सन, मैं बोल सकती हूँ। बट जैसे कि मैंने अपने एक और वीडियो में बताया है कि ए और एन कहाँ कहाँ यूज करना है, उसके हिसाब से वॉवल्स, वॉवल्स के आगे हम ए नहीं लिख सकते, हम एन लिख सकते हैं, ए नहीं लिख सकते। तो एन एग, सिंगल एग है, बट मैं ए एग नहीं बोल सकती, एन एग बोलना है मुझे, जैसे कि मैं अपने लास्ट वीडियो में आर्टिकल वाले टॉपिक में बता चुकी हूँ। अब वी हैव मोर देन वन, तो हम बोलेंगे टू ऑरेंज, थ्री मैंगोज, ऐसे काउंट जो चीज हो सकती है उन्हें हम गिनेंगे काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में ए एन एन नंबर्स हम नहीं यूज करते हैं, बिकॉज इसके एग्जाम्पल्स हम जैसे ले सकते हैं, हैव सम मोर राइस, थोड़े और चावल ले लो, हम ऐसे नहीं बोल सकते तीन चावल ले लो या पांच चावल ले लो, ऐसा नहीं बोल सकते। यहाँ ड्रिंक अप और मिल्क, आप थोड़ा और दूध पियो या पूरा दूध फिनिश कर लो, बट हम उसको काउंट नहीं कर सकते। अगर कोई बोले कि हाँ हम काउंट कर सकते हैं ड्रॉप्स में, पर कोई ड्रॉप छोटी लेगा कोई बड़ी लेगा। अगर कोई ये कहे कि हम ग्लास भी तो गिन सकते हैं, 3 glass of water और 5 glass of milk, बट ऐसा नहीं होता है, सबके घर में अलग अलग ग्लासेस होते हैं, तो आप उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट कंसिडर नहीं कर सकते, उसे काउंट नहीं कर सकते, तो वो आ जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन हैज प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म्स होते हैं, जैसे एक बुक है 3 book, 4 book है 8 book, उसको हम प्लूरल फॉर्म, सिंगल से प्लूरल फॉर्म में कर सकते हैं। बट अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते, क्योंकि वो काउंट ही नहीं होते, तो उनके प्लूरल फॉर्म्स बनने का सवाल ही नहीं होता। अब हम यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज वर्ड सच एज फ्यू एंड मैनी। काउंटेबल नाउन में आप फ्यू और मैनी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, कि आई वॉन्ट फ्यू मोर पेंस, आई वॉन्ट मैनी थिंग्स, फ्यू और मैनी आप काउंटेबल नाउन में यूज कर सकते हैं, बिकॉज वो भी एक काउंट चीज है। फ्यू कुछ दे दो, बहुत सारा दे दो, कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं मच, मोर, लिटिल, इनफ, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इससे काउंटिंग नहीं होती, इसलिए हम इनमें सिर्फ मच, मोर, लिटिल और इनफ वर्ड यूज कर सकते हैं। अब हम फाइनली इसको समाप्त करते हैं। काउंटेबल नाउन, जिस चीज को आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, जिस नाउन को आप नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, दैट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो। इफ यू लाइक इट देन लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।